इसमें कहते हैं एसके लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोडक्ट्स, एसके लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एक कंपनी है जो कि दो प्रोडक्ट्स को बनाती है नेम्ड एज अल्फा एंड गेमा। एसके मैन्युफैक्चरर लिमिटेड कंपनी दो प्रोडक्ट्स बनाती है अल्फा एंड गेमा, लेकिन आगे चल के ये बताता है कि ईच यूनिट ऑफ अल्फा रिक्वायर्स 3 यूनिट्स ऑफ लेबर। अल्फा का एक यूनिट बनाने के लिए 3 लेबर आवर्स इस्तेमाल होते हैं, एक लेबर के 3 घंटे इस्तेमाल होते हैं। एंड ईच यूनिट ऑफ गेमा रिक्वायर्स 5 लेबर आवर्स, और गेमा का एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे, एक लेबर के 5 घंटे खर्च होते हैं, कॉस्ट आती है। लेकिन आगे चल के कहता है टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल ईच डे, एक दिन में जितने घंटे लेबर के हमें अवेलेबल हैं, जो कॉस्ट हम लगा सकते हैं वो 150 है। ठीक है, यहाँ पे जो लेबर लग रहे हैं ना, आवर्स लग रहे हैं, इसको कॉस्ट आपने कंसिडर करना है। ठीक है, 150। इफ एक्स रिप्रेजेंट द यूनिट्स ऑफ अल्फा, अल्फा को हम एक्स कहें, और वाई रिप्रेजेंट द यूनिट्स ऑफ गेमा, गेमा को हम वाई कहें, दैट आर प्रोड्यूस्ड ईच डे, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अल्फा कैन बी प्रोड्यूस्ड इफ 25 यूनिट्स ऑफ गेमा इज प्रोड्यूस्ड इज अ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहां पे अल्फा को क्या कहा जा रहा है, एक्स, अल्फा इज एक्स, एंड गेमा को क्या कहा जा रहा है, उसको वाई कहा जा रहा है। हमने क्या करना है, जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हमने ट्रांसलेट करके एक इक्वेशन बनानी है। वो कह रहा है कि जो अल्फा है इसको अगर आप 3 यूनिट्स लेबर के लगाएं, 3 आवर्स लगाएं, तो आपके पास ये 1 यूनिट बनता है। इसका मतलब क्या है कि आप 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। प्लस उसने ये कहा कि आप अगर y का 1 यूनिट बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट 5 लेबर आवर्स है, तो आप 5 को इसका मल्टीपल बना दें y का, और टोटल एक दिन में जितने लेबर आवर्स अवेलेबल है वो 150 है टोटल कॉस्ट, तो हम इज इक्वल टू 150 कर देंगे। इस पूरी जो 3-4 लाइनों की स्टेटमेंट थी इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया और एक इक्वेशन बना ली। भाई अल्फा को क्या कह रहे हैं, एक्स, एक्स, और उस पे लेबर आवर्स कितने सर्व होते हैं, 3 होते हैं, इसलिए हमने उसे 3x लिखा, 3x लिखा। और जो गेमा है उसे हम क्या कह रहे हैं, y कह रहे हैं, y कह रहे हैं ना, और उसके ऊपर जो यूनिट्स लगते हैं लेबर आवर्स के वो कितने लगते हैं, 5, इसलिए हमने उसे 5y, तो उनको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल जो है 150 हो जाएंगे। ठीक है, आगे जो वो कहता है, जो चीज गिवन है हमें, वो कहता है कि आप फाइंड करो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अल्फा कैन बी प्रोड्यूस्ड इफ 25 यूनिट्स ऑफ गेमा आर गिवन। इसका मतलब क्या है कि हमें y गिवन है, गेमा गिवन है कितना, 25, ये जो यहां पे गिवन है 25, ये 25 यूनिट्स हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास x आ जाएगा, लाइक 3x प्लस 5, y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 25 इज इक्वल टू 150। ओके, 3x प्लस इफ वी मल्टीप्लाई 5 विद 25 इट विल बी 125 इज इक्वल टू 150। Now transposing this 125, it will be subtracted from 150. 3x is equal to 25. Then 3x is equal to, it will have 25 will left. Okay, 150 minus 125, 25 left. Now transposing this 3, it will be divided in this side, 25 divided by 3. What it is equal to? डिवाइड करें 8.33 अप्रोक्सीमेटली जो है आपके 8 यूनिट्स बनेंगे, क्योंकि आप यूनिट्स जो चीज के यूनिट्स होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, तो 8 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली होंगे। ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है हम इसको नहीं लेंगे, क्लियर, तो ये यूनिट्स बनेंगे किसके, अल्फा के। ठीक है ना, यूनिट्स ऑफ अल्फा ये बनेंगे, दिस वाज द क्वेश्चन, क्लियर, थैंक यू सर। बस इतना सर।